जय टक्कर ठक्कर। श्री हरिवंश महर्षि, महर्षि क्या संसार में रहकर भगवत प्राप्ति का निश्चय किया जाए तो प्रभु पथ प्रदर्शित करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं। वही सर्व गुरु है, सबके गुरु, जितने भी महात्मा है सब उन्हीं के वचनों और उन्हीं के चरण रज के प्रताप से गुरु बनते, महात्मा बनते, जगत गुरु भगवान सबका हृदय में ज्ञान उपदेश करके परमार्थ का पोषण करते हैं। गुरु बनाने के पहले भी तो वही पकड़े हुए थे, किसी का भी कोई जो गुरु नहीं वरण किया था तब भी तो वही जगत गुरु पकड़ के लाए, वही तो संभाल रहे हैं। गुरु तो अब मिले हैं पर जगत गुरु तो तुम्हें गर्भ से ही संभालते चले आ रहे हैं। उन्होंने मनुष्य शरीर दिया उन्हीं जगत गुरु ने, और वही जगत गुरु गुरु रूप में आकर के उपदेश कर रहे हैं, पर प्रधानता वही गुरु है, वही भगवान ही सबके ज्ञानदाता है। कोई अहंकार करके अगर बोले कि ऐसा वैसा तो वो केवल माया का विलास है, कुछ नहीं। तरंग बहुत मुच्छ में ताव दे, समुद्र के ऊपर अटखेलियां कर रही है, उसी का है सब कुछ, समुद्र का ही तो स्वरूप है तरंग। और वो ऐसे ही कोई ज्ञान के अभिमान में तो अलग बात है, नहीं तो जगत गुरु भगवान ही सबके गुरुदेव हैं, वही गुरु रूप में आकर के भी बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, हरि ही ऐसा आकर सर्वेश्वर सर्व गुरु, गुरुओं के भी परम गुरु भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री हरि है, इसमें कोई संशय नहीं। वो गुरु मंत्र ले या ना ले, हरि सबको दुलार करके सबको सतमार्ग बताते हैं। उनकी बात मान जाए तो उसका कल्याण हो जाए, बात ना माने तो गुरु बना लेने पर भी नरक मिलता है, बात ना माने तो गुरु बना लेने पर थोड़ी कि परम पद मिल जाता है, उसको भी नरक मिलेगा अगर आचरण बुरे करोगे। भाई आप किसी भी डिपार्टमेंट में सरकारी हो जाए और वहां आप उसके कानून के हिसाब से ना चलेंगे तो जेल आपको भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि केवल चोरों के लिए ही जेल है, अगर आप अच्छे आचरण करेंगे तो आपके लिए अलग कानून है, बुरे आचरण करेंगे तो चाहे जितने कानून के पदाधिकारी हो तो भी आपको दंड मिलेगा।